2021 में ओलंपियाड का ये एक सवाल आया था कि जो जेईई एडवांस के लिए काफी फिजिबल सवाल है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द सिंपल स्नेल्स लॉ के बेस पर सवाल आधारित है, पर थोड़ा मैथमेटिकली आपको चीजों को सोचना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। सीधे इसमें क्या हो रहा है कि एक अर्थक्वेक आया है। अर्थ को हम फ्लैट लैंड मानते हैं और उसके नीचे ये उसका क्रस्ट दिखाया हुआ है। अभी कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी आप ध्यान में मत रखिए, मानिए फ्लैट लैंड है और यहां पर एक जगह है, यहां पर एक अर्थक्वेक आया, यानी यहां पर वाइब्रेशन जनरेट हुए हैं और ये अर्थक्वेक इस जगह पे लीनियर सोर्स है अर्थक्वेक का, यानी यहां से अंदर जाता हुआ एक लाइन है जिसमें एक वाइब्रेशन डेवलप हुए, पावरफुल सोर्स बना है वाइब्रेशन क्रिएट करने का, और ये पावरफुल सोर्स जो है वो पी पावर जनरेट करता है। ये पी पावर जनरेट करता है और ये पी पावर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। ये पी पावर इस दुनिया में इधर की तरफ निकलेगी, ये पावर इसकी पी इधर की तरफ आएगी। ये पी पावर इधर की तरफ आने वाली है। अब ये जो पी पावर इधर की तरफ आ रही है उसमें दिया हुआ है इस एक्सिस को, उसने जेड एक्सिस बोल दिया फॉर द रेफरेंस, और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल दिया, और अंदर वाला जो है वो वाई मान सकते हैं। तो एक्स वाई जेड जो है हमारे पास, वैसे अगर प्लस वाई की बात करें तो वो बाहर की तरफ आएगा, पर एक्स और जेड और वाई अंदर है लेट से, और ये जेड हमारे पास है, ये अंदर की तरफ अर्थ क्रस्ट में इसकी एनर्जी जो है, वेव जो है, सीज्मिक वेव जो है वो नीचे अंदर ट्रेवल कर रही है। अब ये सीज्मिक वेव जो अंदर नीचे ट्रेवल कर रही है, उन सीज्मिक वेव की जो वेलोसिटी है, सीज्मिक वेव की जो वेलोसिटी है वो वी की वैल्यू दे रखी है, वो वी नॉट 1 + जेड / जेड नॉट करके दी हुई है। Obviously, Z naught is a constant, और Z जो है वो आपका how deep you are going उसका एक symbol दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो V जो है इसकी दे रखी है, नीचे आ रही है। अब ये नीचे आकर क्या होता है कि reflect करके अगर उनको लगा तो ये वापस सरफेस पे ये vibrations पहुंचते हैं, ये vibration सरफेस पे वापस पहुंचते हैं, ये vibration सरफेस पे वापस पहुंच रहे हैं। ये vibration जब सरफेस पे वापस पहुंच रहे हैं तो यहां जब सरफेस से वापस पहुंच रहे हैं तो वो सारे vibrations को, ये जो सरफेस है अर्थ की, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इस सरफेस अर्थ की सारे वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो वो कह रहा है कि अगर यहां पर वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो किसी एक्स डिस्टेंस पर अगर हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया किसी जगह पर, एक्स डिस्टेंस पर, मैं हिंट दे रहा हूं, वैसे उसने इतनी बातें लिखी नहीं थी, उसने सीधे नाम लिखा था, पर मैं मान लेता हूं एक स्ट्रिप कंसीडर किया, और इस स्ट्रिप का जो अंदर की तरफ स्ट्रिप गई हुई है, इस स्ट्रिप का एरिया डीए है, और यहां पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इस पोर्शन में जो एनर्जी आके एब्जॉर्ब हुई है, लेट्स से वो डीई है, तो यहां पर हो गया एब्जॉर्प्शन पर यूनिट एरिया, एब्जॉर्प्शन फ्लक्स कहते हैं इसे। तो एब्जॉर्प्शन फ्लक्स हमने बात की, तो वो हो गया जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है डीए / डीई इन द एरिया डीए, इसको हमने कहा एब्जॉर्प्शन फ्लक्स। आप तो इसको समझिए, इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया। हमें ये एज अ फंक्शन ऑफ, हमें ये जो चीज निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स डिस्टेंस पर छोटे से एलिमेंट में जो हमने लिया है उसके अंदर जो स्ट्रिप गई हुई है उसका एरिया अगर डीए माने तो डीई / डीए की वैल्यू कितनी होगी, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। या फिर वो ऐसे पूछ सकता था जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि यहां से 5 मीटर दूर से लेकर यहां से 10 मीटर दूर के बीच में, 5 मीटर से 10 मीटर के नीचे सोर्स है जो सेंटर ऑफ अर्थक्वेक है, उससे 5 मीटर और उससे 10 मीटर रेंज के बीच में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ये पूछ सकता था। उसके लिए आपको इंटीग्रेट इसी को करना पड़ेगा डीई / डीए से, तो आपको डीई / डीए चाहिए। तो मैं सीधे सीधे काम की बात पूछ रहा हूं, फाइंड आउट डीई / डीए। तो इसका सवाल का हम सॉल्यूशन अभी देखने वाले हैं, पर आप भी इसके ऊपर सोचिएगा, हम इसका सॉल्यूशन अभी बनाने वाले हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टी शर्ट बदल गई क्योंकि कल मैं बिजी हो गया था, समय नहीं मिला था, इसलिए मैंने अगले दिन शूट किया, तो टी शर्ट बदल गई है। तो टी शर्ट बदल गई है, उससे मत सोचिएगा कि अलग अलग दिन था। तो ये हमारे पास सिचुएशन थी, हमारे पास यहां पर एक पॉइंट लाइन सोर्स था जहां पे भूकंप आया था, अर्थक्वेक आई थी भूकंप से बचने के लिए, और इससे हर तरफ हर दिशा में पावर एमिट हो रही थी, और नीचे जो वेव सीज्मिक वेव बनती है उसकी वेलोसिटी वी नॉट 1 + Z / Z0 दे रखी है, और उसके बाद पूछा कि कैसे कहां पे पावर, वो पावर पर यूनिट एरिया कितना एब्जॉर्ब करेगा, ये सवाल था। तो अब इस सवाल में मैंने माना यहां से एक लाइट रे ऐसे निकली जो कि यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ
हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे निकली, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा निकल एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी ऐसे बदल रही है, तो ये सर्फेसिस मान सकते हैं, मल्टीपल सर्फेसिस हम यहां पे मान सकते हैं। तो मैं काम करता हूं इसको वर्टिकल से एंगल बना लेता हूं या हॉरिजॉन्टल से बना लू, कोई मतलब नहीं, यहां से नहीं मानता हूं, यहां से मान लेता हूं, इस जगह से ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया। तो अगर ये यहां पर आएगी किसी जेड पर, किसी ये ऐसे बना लेता हूं, यहां पर आई स्लेट से किसी जेड पर आई, यानी ये डिस्टेंस जेड है, ये डिस्टेंस जेड है, जेड पर आई, तो ये मान लिया एंगल यहां पर जो नॉर्मल के साथ बना रही है वो अल्फा है। अगर वो नॉर्मल के साथ एंगल अल्फा बना रही है तो हमें एक बात क्लियर है कि अगर ये एंगल यहां पर अल्फा बना रही है तो इस जगह पर मैं जरूर कह सकता हूं बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ मैं कह सकता हूं कि v naught upon sine theta is equal to v naught 1 plus z by z naught वहां की वेलोसिटी डिवाइड बाय साइन अल्फा, ये हमारे पास आ गया v नॉट 1 प्लस z बाय z साइन अल्फा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखें तो हमारे पास आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज अ कॉन्स्टेंट 1 प्लस z बाई z नॉट। अगर मैं इस इक्वेशन को प्लीज ध्यान से देखिएगा डिफरेंशिएट करता हूं, ये हमारे पास आ गई क्योंकि अल्फा वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आ गया कॉस अल्फा डी अल्फा बाई डी जेड, डी अल्फा बाई डी जेड इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज अ कॉन्स्टेंट साइन थीटा डिवाइड बाई जेड नॉट। आई होप इतनी मैथ्स आपको समझ में आती होगी, कॉस अल्फा डी अल्फा बाई डी जेड साइन थीटा बाई जेड नॉट, ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास, अगर आप देखें तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास कि डी अल्फा ध्यान से देखिएगा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई जेड नॉट। तो मैं भी साइन थीटा बाई जेड नॉट विच इज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहां से निकला अल्फा बदल रहा है, इसको मैं हाल फिलहाल कॉन्स्टेंट सी मान लेता हूं, सी मान लेता हूं। तो डी अल्फा हमारे पास आ गया सी कॉस अल्फा डी जेड, कॉस अल्फा डी जेड ये हमारे पास आ गया, कॉस अल्फा डी जेड सॉरी कॉस अल्फा नहीं सेक अल्फा डी जेड, सेक अल्फा डी जेड, सेक अल्फा डी जेड। अगर आप थोड़ी मैथ्स आपके दिमाग काम करता है, ये इंटरेस्टिंग बात है, डी जेड ये लेंथ हुई, डी जेड ये लेंथ हुई, तो सेक अल्फा डी जेड ये लेंथ हुई, सेक अल्फा डी जेड ये लेंथ हुई। भाई इस sec अल्फा dz की अगर हम बात करें, dz ये लेंथ है तो ये आर्क ऐसे बन रहा है, तो ये हमारे पास dz है, तो ये लेंथ जो हमारे पास आ जाएगी वो sec अल्फा dz आ जाएगी, दिख रहा है क्या, ये ऐसे पाथ पे चल रही है, तो ये dz है तो, और ये dz है हमारे पास, और ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये अल्फा दे रखा है, तो ये लेंथ जो हमारे पास हो जाएगी ये sec अल्फा dz के बराबर हो जाएगी स्ट्रेट लाइन मानते हुए। तो sec अल्फा dz इज नथिंग बट dl, ये जो पाथ लेंथ इसने ट्रेवल की है उस dl के बराबर है। तो d अल्फा is equal to c, d alpha is equal to c into dl, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया dl, dl by d alpha is equal to dl by d alpha is equal to 1 upon c, 1 upon c is z naught by sin theta, z naught by sin theta। तो dl by d alpha की वैल्यू z naught by sin theta आ गई, यानी dl by d alpha कांस्टेंट है। आपने कहा फिर क्या, मैंने कहा ये परिभाषा होती है सर्कल की, सर्कल अगर कोई होता है तो अगर यहां पे अल्फा एंगल बना रहा है और यहां पे एंगल अल्फा प्लस डी अल्फा है, तो ये इसकी डीएल है, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इनके एंगल भी डी अल्फा होगा और ये लेंथ डीएल होगी। अगर डीएल बाई डी अल्फा कॉन्स्टेंट है तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आती है और ये इसका रेडियस होता है। Obviously, मैं सिर्फ ये मान के चलो कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो यानी कि dl by dl alpha z naught, यानी कि इसका पाथ जो होने वाला है वो सर्कल होने वाला है और सर्कल की रेडियस जो होगी वो z naught by sin theta होगी, सर्कल की रेडियस जो होगी वो z naught by sin theta होगी, यानी एक सर्कल बनेगा जो थीटा पे निकला है वो एक सर्कल में जाएगा और सर्कल की रेडियस z naught by sin theta होगी। इसका मतलब हम इसकी अगली फोटो बनाए तो हमारे पास
यहां से जो निकला है थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर जो यहां से निकला है, ये ऐसे जाकर सर्कल पे यहां पर पहुंचेगा और ऑब्वियसली ये एंगल भी यहां पे जो बनाएगा वो भी थीटा होगा, वो भी थीटा होगा। और इस थीटा, ये जो हमारे पास थीटा है, इसकी रेडियस आर है, तो इसकी रेडियस आर है, तो ये इसका सर्कल अगर हमने ये बनाया तो ये इसकी रेडियस आर है। तो अगर ये रेडियस आर है तो ये कहां पर मीट करेगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहां पर मीट करेगी, लेट्स से इस डिस्टेंस को एक्स कह देते हैं, लेट्स से इस डिस्टेंस को एक्स कह देते हैं, तो अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एक्स की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 2r, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, x की जो लेंथ हो जाएगी 2r cos थीटा हो जाएगी। और r हमने कितना निकाला था, r निकाला था z नॉट बाई sin थीटा, तो z नॉट बाई sin थीटा, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 2 z नॉट बाई sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 z नॉट cot थीटा, तो ये x की वैल्यू आ गई। ये x क्या चीज निकल गया, जहां पर वो जाकर मिलेगा, तो दिस इज द वैल्यू, ये सर्कल में आएगा और ये यहां पर मिलेगा, x की वैल्यू 2z नॉट cot थीटा हमारे पास यहां पर आ रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमें मिल गया कि अगर जो थीटा पे लाइट रे निकलेगी यानी सीज्मिक वेव निकलेगी वो यहां से यहां x दूरी पे जाके मिलेगी और x की वैल्यू 2z नॉट cot थीटा के बराबर है। मैंने कहा बढ़िया, पर अभी तो सवाल बाकी है पूरा, अभी तो सवाल बाकी है हमारे पास, सॉरी सवाल बाकी है। तो x की वैल्यू 2z नॉट cot थीटा के बराबर हो गई, ये बात तो क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब मैंने यहां से सोचा कि ये जो है वो p पावर यहां पर ऐसे निकाल रहा है, p पावर इस पूरे पाई में निकाल रहा है, यानी कि p जो नीचे निकल रही है तो पाई एंगल में सिलेंड्रिकल बनेगा ऐसे, क्योंकि लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल ऐसे बनेगा, तो सिलेंड्रिकल ऐसे बनेगा, तो पाई एंगल में पावर निकल रही है p, ये हमें पता है। अब हमें यह पता है कि थीटा वाला, अगर हमारा थीटा पे जो लाइट रे निकली है, थीटा पे यानी ये जो थीटा पे लाइट रे निकली है वो हमारी यहां पर जाके मिल रही है, ये डिस्टेंस जो है वो x है, यहां से जो थीटा पे लाइट रे मिली है वो ये डिस्टेंस x है। तो अगर यहां से थीटा प्लस डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा पे लाइट रे निकलेगी, थीटा प्लस डी थीटा पे वो यहां आके मिलेगी और ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो चीज होगी वो dx के बराबर होगी। भाई समझ में आ रहा है ना, भाई जैसे ये थोड़ा एंगल बदला तो वो भी एंगल बदला, तो थीटा पे निकल रही है तो x पे जा रही है और जी थीटा प्लस डी थीटा निकलेगी वो थोड़ा पहले मिलेगी तो ये मिलेगी यहां पर। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि इसके अंदर जो पावर घुसी है वो पूरी की पूरी पावर इस वाले dx के एलिमेंट में आई है, इस वाले dx के एलिमेंट में आई है, इस dx के एलिमेंट में आई। इसके अंदर कितनी पावर गई है, इसके अंदर जो पावर गई है वो जाएगी p d थीटा अपॉन 2 पाई, सॉरी p d थीटा अपॉन पाई, क्योंकि पूरी पावर पाई में जा रही है तो p d थीटा अपॉन पाई, और यही पावर उस dx में जाएगी। तो उसका पर यूनिट अगर हम बात करें p d थीटा अपॉन dx लेंथ में कितनी पावर जाएगी, तो अगर हम बात करें तो p d थीटा अपॉन पाई इंटू dx के बराबर हो जाएगा, p d थीटा अपॉन पाई इंटू dx के बराबर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, p d थीटा इंटू पाई इंटू dx के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है मैग्नीट्यूड वाइज। तो p d थीटा बाई पाई dx चाहिए, यानी हमें चाहिए p बाई पाई, तो हमें पता ही है, हमें चाहिए d थीटा बाई dx निकाल देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो आंसर निकालने के लिए d थीटा बाई dx चाहिए, उसके लिए हमें थीटा और x में रिलेशन चाहिए, वो हम अभी थोड़ी देर पहले यहां निकाल चुके हैं कि x is 2z not, x is 2z not cos theta, 2z not cos theta। अगर x की वैल्यू 2z not cos theta है, अगर x की वैल्यू 2z not cos theta है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, cot theta, सॉरी cot theta है, x की वैल्यू 2z not cot theta है, तो आप d theta by dx की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं। d theta by dx की वैल्यू अगर आप नहीं निकाल सकते तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का, आप d theta by dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं, और जैसे आप यहां पे डालेंगे यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर ओलंपियाड क्वेश्चन, और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे ओलंपियाड के इस सवाल में।
आई होप इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा. इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज वेरी रेलेवेंट टू जे एडवांस ऑल्सो बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन जे एडवांस एज वेल एज फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन INPHO, IPHO, उन बच्चों के लिए भी यह सवाल अच्छा था. थैंक यू वेरी मच. बाय रहेगा सभी को. एंजॉय योर लाइफ. इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल अदरवाइज मेक इट. बाय 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 बाय.